ऋग्वेद अष्टमोध्याय प्रमा से लेके आसीत पहला श्लोक जिसका भवात इस प्रकार है। विद्वता संपन्न आचार्य ही ज्ञान प्रदान करके मनुष्यों की सत्कर्मों की दिशा में प्रेरित करते हैं तथा परमात्मा की ओर उनका ध्यान लगाते हैं, जिससे वे शिष्य भी परमात्मा की अपने आंतरिक भाव सहित अनुभूति करते हैं। विश्व में वे ही अधिक काल तक जीवित करते हैं, अर्थात मृत्यु और कठिन रोग जनित भारी कष्टों को भोगना पड़ता है। सम से लेके मति दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। जिस समय जीवात्मा मृत्यु के उपरांत पुनर्जन्म में जाता है, तुम मात्र दे की पसनियां उसे स्पत्नियों के तुल्य पीड़ित करती हैं। अज्ञता एवं कर्म शक्ति की दृष्टि से असमर्थता उसे पीड़ा देती है और मृत्यु का भय भी उसे उसी प्रकार सताता रहता है जैसे पक्षी शिकारी से भयभीत रहता है। मूषोना से लेके नो भवा तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। वासनाएं मानव के जिनों को जीवन की उसी प्रकार खोखला कर दी जाती हैं जैसे चूहा अन्न को खाकर भंडार खाली करता जाता है। इससे बचने का एकमात्र उपाय परमात्मा की शरण ग्रहण करना ही है, वही उसे मोक्ष प्रदान करता है। कुरु से लेके ऋषि चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। अध्यात्म ज्ञान से संपन्न विद्वान जनों से मार्गदर्शन पाकर के उपासक उस परम पिता परमात्मा की नित्य प्रति वंदना किया करे। यस्य से लेके शस्त्र दक्षिणे पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। जिसके रमणीय रथ में इड़ा पिंगला शुमना आत्मा को कल्याण मार्ग पर ले जाती हैं, वही परमात्मा स्तुति योग्य है। इति प्रथम वर्ग। यस्य से लेके उच्चोक्षे छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। मैं उसी परमात्मा की वंदना करूं कि जो सभी को दिव्य अन्न कर्म फल आदि प्रदान करता है, उसी प्रभु की वाणियां सुखदायी हैं। अधि से लेके वंदिता सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे प्रजा वत्सल, हे उत्तम ज्ञान देने वाले, स्नेही और अतिथि तुल्य, स्वल्प काल के लिए तेरे गृह आने वालों को नीचे न गिरने देने वाला, तो हम पर कृपालु रहे, मैं तेरी वंदना करता हूं। यत से लेके ममा आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। मेरी आत्मा तभी प्राण धारण करने में समर्थ होती है जब मैं अविनाशी तत्व तथा मनिष्ठ होने वाले पदार्थों का स्वामी हो जाता हूं। न से लेके वावृत्य नौवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। विद्वानों द्वारा निर्धारित नियमों की अवहेलना करके कोई भी 100 बरस तक नहीं जीता, उसके सखा भी उसी का साथ छोड़ जाते हैं। प्रावेशा से लेके अच्छान पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। जुआ खेलने के काम में आने वाले पासे जुआरी को जुआ खेलने में सोमपान के तुल्य हर्षित करते हैं और उसे जागृत करते हैं, वह ऐसा समझता है। ना मां से लेके अरोधम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जुए को की लत के प्रति अनुरक्त हो जाने के कारण मनुष्य सुख देने वाली और आदर करने वाली अनुकूल पत्नी को भी स्वयं से पृथक कर बैठता है। द्वेष्टि से लेके भोगम तीसरा श्लोक। जो ज्वारी हो जाता है उससे उसकी सास भी घृणा करने लग जाती है, उसकी पत्नी भी उसे नहीं चाहती, उसे कोई भी सुख देने वाला नहीं मिलता और उचित भोगों से भी वंचित रहना पड़ता है। अन्य से लेके बद्धम एतम चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। जिस धनवान को भी जुए की लत लग जाती है, उसकी पत्नी को अन्य लोग हथिया लेते हैं, उसके माता पिता और भाई भी उससे नाता तोड़ लेते हैं। यत
अधिध्य से लेके जारी 9:5 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जब किसी को जुए का व्यसन पड़ जाता है तो उससे बचना उसके लिए बड़ा कठिन होता है। वह जुआ ना खेलने का संकल्प ग्रहण करके भी पुराने साथियों को जुए के स्थान पर देखकर पुनः उसी ओर चल पड़ता है। इति तृतीय वर्ग। सवामेति से लेके कृतानी 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जुआरी आवेश के वशीभूत होकर पुनः जुआरी मंडली में औरों की आशा को मन में संजो कर जाता है। उसकी भावना ये रहती है कि जुए के ये पासे ही मुझे प्रतिपक्षी पर विजय प्रदान कराएंगे। अक्षात से लेके बरहना 7 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जुए में जो व्यक्ति जीतता है उसके लिए भी जुए के पासे अंततः पीड़ा देने वाले ही सिद्ध होते हैं। वे मधुर स्वाद वाले विषाक्त अन्न के समान हैं, अतः उनसे अलग ही रहना चाहिए। 53 से लेके क्रनौती 8 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जुए के पासों के समूह का प्रभाव भी सूर्य के समान चतुर्दिक फैलता है। वे पासे भयंकर क्रोध के समक्ष भी नहीं झुकते, राजा तक भी इनके वशीभूत हो जाते हैं, अतः इससे सदैव दूर रहना चाहिए। नीचा से लेके निर्दहंती 9 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जुए के पासे जुआरी को चाहे जिताएं अथवा हराएं, दोनों स्थितियों में जुआरी के हृदय में अंगारे जलाए रखते हैं, अतः इससे दूर रहना ही सर्वोत्तम है। जाया तप्यते से लेके नक्तम में इति 10 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जुआरी पति की पत्नी दुख पाती है तो जुआ खेलने वाले पुत्र की माता भी दुख ही पाती है, क्योंकि जुआरी ऋण ग्रस्त हो जाने पर और अधिक धन चाहता है, इसलिए दूसरों के घर में चोरी भी करने लग जाता है। यदि चतुर्थो वर्ग। स्त्रीय से लेके वृषल पपात 31 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जुआ खेलने वाला जुए के परिणाम से अपनी पत्नी को दुखी पाता है और दरिद्रता का अनुभव करता है और दूसरों के परिवारों को सुखी एवं संपन्न देख करके पश्चाताप भी करता है, तो रात के उपरांत प्रातः सावधान होकर अपने उद्धार के लिए भगवान जिसे प्रार्थना भी करता है। यो से लेके वदामी 12 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस समय जुआ खुलने बलि को इस दुर्व्यसन से पूर्व ग्लानी हो जाए तो जुआरी के लिए उपयुक्त है कि वह जुआ खेलने वालों के मुखिया के समक्ष अपने जुआ छोड़ने के संकल्प की घोषणा कर दे। इस दुर्व्यसन से इसी प्रकार बचा जा सकता है। शर्मा से लेके तेरवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जुए में आसक्त जन का आवाहन किया गया है कि वह उस विषम तथा पाप की कमाई से दूर रहकर अपने परिश्रम से उपार्जित खेती से प्राप्त हुए अन्न का भोग करे, यही श्रेष्ठ है। ऐसा करने से पारिवारिक व्यवस्था सुधर सकती है और परमात्मा भी अनुकूल बनता है। मित्रम से लेके प्रस्तोन्नवस्तु 14 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जब कोई जुआरी जुआ खेलने से मुंह मोड़ लेता है तो उसके पुराने साथी भी उससे द्वेष करने लग जाते हैं। जुआ छोड़ने वाले को उन्हें भी समझाना चाहिए, जिससे वे जुए की लत से बच सकें। अब वो धर्म से लेके आवरणी में ही 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रभात काल में सूर्य की किरणें अंधकार को हटा कर धरती व आकाश में प्रकाश फैला देती हैं। जीवन रक्षार्थ भी उन किरणों का उपयोग आवश्यक है। प्रातःकाल होते ही प्रभु उपासक जाग जाते हैं। वे नर नारियों के कार्य और व्यवहार के संबंध में
पथ दर्शाते हैं, उनके रक्षण में ही जीवन बिताना श्रेयस्कर है। दिवस पृथिव्यो रोब से लेके कुरुणतु ना, दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। पृथ्वी पर स्थित सरोवर एवं आकाश के मेघ हमारे रक्षक हैं, यही औषधियाँ उपजाते हैं। सूर्य, उषा, प्रभात एवं चंद्रमा प्रकाश प्रदान करने वाले हैं। माता पिता के उपदेशक के उपदेश को मानने से ही जीवन की रक्षा होती है। परमात्मा ही माता पिता हैं और सर्व सखा हैं तथा प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वालों का वह कल्याण करने वाला है। ध्यावानों से लेके मह तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ने द्यूलोक व पृथ्वी निर्दोष लोगों के कल्याण के लिए ही बनाए हैं। प्रातःकाल की वेला भी मानव के दोष हरती है। समाज की व्यवस्था करने वाली समिति राष्ट्र की रक्षा करती है। घर में नवबधि भी दुख हटाती है। इयम ना से लेके ईमा ही चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। घर में विकसित होती उषा या आई हुई नववधु घर तथा परिवार का विकास करती है। पारिवारिक जनों के लिए प्रकाश, सुख व संतान देती है। उसके धर्मचरण से ग्रस्त प्रभु की ओर चलता है। प्रया से लेके ई मही पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। प्रातः सूर्य रश्मियां ज्योति प्रदान करती हैं और धरती का अंधेरा हटा करके अन्न की उत्पत्ति में भी सहायक होती हैं। जिस भांति विद्वान पुरुष की विदुषी नववधु ग्रस्त में कल्याण व सुख बरसाती है। इति षष्ठ वर्ग अन्मीवा से लेके ई मही छठा श्लोक। प्रभात की वेला रोग निवारण में सहायक है। अग्निहोत्र भी ऐसा ही है। घर में वधुएं भी रोगों को दूर करने वाली हों और पुरुष भी विद्वान हों तो घर सुखी होता है। श्रेष्ठम नौ से लेके ई महे सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। उपासना करने से प्रभु सर्वश्रेष्ठ मोक्ष तथा संसारिक सुख देता है। फिर पतो से लेके ई महे आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हम विचारशील जन जिसका ज्ञान चाहते हैं वे हमें ज्ञान से पूर्ण करें। सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश अपनी वाणियों को प्रकाशित करता हुआ उदय को प्राप्त हो। ऐसे प्रकाश दाता अग्निमत ज्ञानी से हम सुख देने की अर्चना करें। अद्वेशों से लेके ई महीनवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। बुद्धिशील राष्ट्र के विस्तारक तथा उत्तम उपदेष्टा एवं शत्रु संहारक वीरों का संयोग होने पर माननीय ज्ञान के संध्या काल में हम देश रहित जनों को प्राप्त करें। मानव यदि उन्नति चाहता है तो सूर्य किरणों के समान ज्ञान प्रकाशक व पृथ्वी के उपासक कृषकों के तुल्य अन्न उत्पादक जनों के द्वारा दिए गए सुख में रहे। हम प्रकाश तथा ज्ञानी जन की अर्चना करें। आ नौ से लेके ई मही दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हम विद्वानों का सम्मान करें। प्रभु के स्मरण व वंदना प्रार्थना से ही व्यक्ति सच्चा सुख व ऐश्वर्य पाता है। त आदित्य से लेके ई मही ग्यारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मा, तुम ही सबका कल्याण करते हो। वह प्रभु हमारी वृद्धि के लिए हमारे अन्न यज्ञ आदि प्रेम से स्वीकारे, हमारे यज्ञ की रक्षा करे। हम जितेंद्र स्त्री पुरुष व तेजस्वी दीप्तिदायक प्रभु से ही अपने कल्याण की अर्चना करते हैं। तन्नो देवा से लेके ई महे बारहवां श्लोक। हे विद्वानों, आप हमें श्रेष्ठतम उपदेश दो, सुख का मार्ग बताओ। हे ज्ञानी जनों, आप मनुष्यों को उत्तम रीति से पोषण में योग्य ग्रह, पशु, संतान और जीवन दो। हम उत्तम जीवन के लिए आपकी तथा ज्ञान प्रकाशक परमात्मा की ही याचना करते हैं। विश्व से लेके अस्मै तेरहवां श्लोक। परमात्मा ने ही हमें प्राण एवं शरीर के अंग प्रदान किए हैं। सूर्य आदि प्रकाशमान पदार्थ भी वही देता है। उसी की कृपा से विद्वान भी हमारी रक्षा करते हैं। उसी ने विद्या आदि धन और बल हमें उपयोग को दिए हैं। यम से लेके तुरास चौदहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हमें विद्वान जनों के संरक्षण में रहते हुए दोषों से दूर रहकर ज्ञान का संचय करते हुए संसार रूपी सागर को पार करते हुए दिव्य सुख युक्त मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए।
नित्य अष्टम वर्ग उपासनकता से लेके अपास्व पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमात्मा ने मनुष्यों के लाभार्थी महत्वपूर्ण रात और दिन अग्नि मेघ सूर्य विद्युत पर्वत जल किरण प्रकाश भूतल अंतरिक्ष प्रकाश लोक रचे हैं, उनसे लाभ उठाना चाहिए तथा अभ्युदय निश्रेयस श्वास प्रवास मुख्य प्राण अंतरात्मा नाड़ीगत प्राण जोड़ों वाले अंग रस प्राप्त करने वाले रक्ताशय तेज व बल धारक रोम छिद्र आदि व मस्तिष्क जीवन में धारने योग्य उपयोगी पदार्थ उसी के द्वारा रचे गए हैं। द्योष्ठ से लेके प्रेणिमय है दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सूर्य और पृथ्वी संसार में चेतना तथा जल देने वाले तथा अंधकार एवं पीड़ा से रक्षा करने वाले हैं, इनसे रचित लाभ लेकर हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। विद्वान जन भी हमें आपत्तियों से बचाते हैं, हम उनकी भी वंदना करें। विश्वामनों से लेके ऋणिमय है तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ है, स्नेही एम वायुवत जीवन रक्षक और दुख निवारक राजा आदि तथा ऐश्वर्यवान के भी जन्नी तुल्य उत्पादक को शक्ति युक्त राज्यसभा ही शासक बनाती है। वह हमें सभी पापों से बचाए, हम छल कपट से रहित होकर तेज व प्रकाश पाएं। ग्रावा से लेकर वृणिमय है चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्वान उपदेशक अपने उपदेशों के द्वारा मनुष्य के जीवन में बाधक आलस्य आदि एवं जागृत अवस्था में मृत्यु भय व शोक को दूर भगाता है। इस भांति ऐसे ऊंचे जीवन मुक्तों की शरण की हमें सदैव कामना करें। इंद्रों से लेकर वृणिमय पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जीवन तभी सफल हो सकता है जब जीवन वृद्धि हेतु वह तेजस्वी हित में साक्षात हो, अन्न रस आदि से हमारे शरीर को पुष्टि दे, आत्मा उत्तम वाणी से प्रभु की वंदना अर्चना करे, बुद्धि भी उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को पाले। इति नवम वर्ग। छठा श्लोक जिसका भावार्थ है, उत्तम विद्वान और उपदेशक हमारे इष्ट लाभ के लिए हमें उत्तम ज्ञान और अध्यात्म का आनंदमय मार्ग बताने वाले हों, जिससे कि हमारा जीवन भय रहित व कल्याण मार्ग का अनुसरण कर सके, हमें देवों का ज्ञान प्राप्त हो सके। उप से लेके वृणिमय सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हमें उच्च यज्ञशील और उत्तम विद्वानों की ही संगति करनी चाहिए, उससे ही उपदेश ज्ञान व बल प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। प्रभु को कृपा से ही ऐसा होना संभव होता है, अतः मैं उनकी वंदना करता हूँ। अपाम से लेकर वृणिमय आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमात्मा ही पालक मेघ व समृद्धवत प्रजा और प्राणों का रक्षक यज्ञ की शोभा को धारण करने वाला अविनाशी संपदा युक्त हम उसी की वंदना करें। हम इंद्रियों के प्रमुख प्रभु आत्मा को संयम द्वारा प्राप्त करें, हमें विद्वानों का वे ज्ञान और प्राणों का बल भी प्राप्त हो। स्नेम से लेके वृणिमय नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, पाप मुक्त जीवित माता पिता स्वयं जीवित रहते हुए अपने पुत्र को दानशील व सुखी बनाते हैं। परमात्म ज्ञान को प्राप्त विद्वत जनों द्वारा दिए गए परमात्म ज्ञान के हम भागी बने। परमात्मा के द्वेषों नास्तिक अपने पापों का फल पाते हैं। ये स्था से लेके वृणिमय दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे जीवन मुक्त विद्वानों, अपने आयु भर के अर्जित ज्ञान को दूसरों को प्रदान करके उन्हें पाप व अज्ञान पर विजय पाने का पुष्टिप्रद प्राणदाता व यशवर्धन करने वाला उच्च ज्ञान प्रदान करो। इति दसवां वर्ग। महदध्य से लेके वृणिमय पर ग्यारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हमारे लिए ये उचित मार्ग है कि हम श्रेष्ठ और महान विद्वत जनों से ज्ञान का उपदेश ग्रहण करें और अपने प्राण आदि के बल को संपन्न और सुदृढ़ बनाएं। हमारी ऐसी ही कामना हो। महाअग्नि से लेके वृणिमय बारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है,
हम दिव्यमान प्रभु को शरण में रहें। हम कल्याण प्राप्ति के लिए स्नेहवान परमात्मा के अधीन अपराध रहित होकर रहें और हमें विद्वानों का महान ज्ञान तथा बल प्राप्त हो। ये सवितों से लेके चित्रमस्मी 13वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो विद्वान सत्य के स्वामी दो सपनों को दूर करने वाले प्रभु के व्रत में तत्पर हैं, वे वीरों से युक्त वाणियों भूमियों एवं पशुओं से समृद्ध ऐश्वर्य ज्ञान कर्म और अद्भुत धन हमें प्रदान करे, सविता से लेकर दीर्घमायु। 14वां श्लोक जिसका भवार्थ है, रचयिता और प्रेरक प्रभु के आदेश के अनुसार रहने पर वह सभी दिशाओं में हमारी रक्षा करता है और हमें कल्याणदायी वस्तुएं तथा दीर्घ जीवन देता है। इत्य एकादशो वर्ग। नमो से लेके सूर्याय संचित पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्य संकल्प सत्य भाषण एवं सत्य कर्म युक्त आचरण करना आवश्यक है। जो दिन रात संसार एवं परले भी क्रमशः प्रकट करने वाला है, वह दूरदर्शी सत्य दृष्टा सकल अग्नि आदि शक्तियों का उत्पादक तथा वेद ज्ञान द्वारा सतर्क करने वाला और मोक्षदाता है, उसी की हम सदैव वंदना करें। सामा से लेके सूर्य दूसरा श्लोक जिसका विवाद है, जो परमात्मा इस जगत को चला रहा है, जिसकी वेदवाणी में जड़ चेतन समस्त प्रजाएं स्थित हैं, जिसके आश्रय पर सूर्य उदित होता है, वही मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करे। नाते अदेव से लेके यासी सूर्य तीसरा श्लोक जिसका व्यवहार इस प्रकार है, जिस भांति सूर्य वेगवान अश्वों के तुल्य श्वेत किरणों से किसी भी पदार्थ को अप्रकाशित नहीं रहने देता, वैसे ही सूर्य के तुल्य उदय अस्त होने वाली आत्मा तू भी ते रूपी रथ को प्राप्त होती है और तेरा कोई भी पुराना अंश अप्रकाशित नहीं रह जाता। हे आत्मन, तू एक दूसरे ही प्रकार के तेज से इस देह से उत्क्रमण करता है। येन से लेके सुबह चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे प्रभु, तुम जिस तेज अंधकार को हरते हो और जिस प्रकाश से सकल ऐश्वर्य को जन्म देते हो, उससे तुम हमसे समस्त अन्न जल यज्ञ आदि के अभाव रोग व्याधि एवं दुस्वप्न आदि के कारणों को दूर कर दो। विश्वस्य से लेके क्रतुम 5वां श्लोक जिसका भवार्थ है, परमात्मा, भक्तजन तेरी कामना करते हैं तो किसी को अपमानित नहीं करता हुआ सबके व्रतों कर्मों तथा जगत के नियमों की रक्षा करता है। हे प्रभु, आज हम जिस कर्म की तुझसे याचना करते हैं, उस कर्म की विद्वत जन हमें अनुमति प्रदान करें। तम नौ से लेके मही 6वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, माता पिता हमारे इस आवाहन को सुने, आप्तजन हमारे इस आवाहन पर ध्यान दे, ऐश्वर्यवान वीरजन एवं वायुवत बलवान हमारे वचन सुने, सूर्य तुल तेजस्वी प्रभु एवं शासक के प्रकाश युक्त दर्शन के अधीन हम शून्य निस्सार ना रहें, अपितु सुखदायी जीवन जिताते हुए जरा अवस्था को प्राप्त करें। इति द्वादशो वर्ग। विश्वाहा से लेके प्रति पश्चिम सूर्य 7वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सूर्य के समान सर्व प्रकाशित प्रभु, हमें सदैव स्वस्थ संपन्न एवं संतान युक्त रख। हम जीवन में चिरकाल तक तेरी अर्चना वंदना तथा दर्शन करते रहें। मही से लेके सूर्य 8वां श्लोक, हे जगत श्रष्टा, प्रत्येक नेत्र हेतु सुख और बड़े भारी तेज से धारण किए हुए प्रकाश से आलोकित एवं महान सागर पर उदय होते हुए के समान विश्व संचालक काल के ऊपर चढ़े हुए हे सूर्य प्रभु, तुझे हम साक्षात देखें। यस्य ते से लेके यही 9वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे प्रभु, हे तेज किरणों वाले, तेरे ज्ञान के प्रकाश से ही सकल लोक आलोकित हैं, उसी से वे सुस्थिर हैं,
तुम पाप रहित श्रेष्ठ कर दिन प्रतिदिन उदय को प्राप्त हो। शन्नो से लेकर चित्रम दसवां श्लोक। हे सर्वेश्वर प्रभु, तो सर्वशक्तिमान तेज द्वारा अपने ताप से युक्त तेजस्वी स्वरूप से हमें शांति प्रदान कर, स्वरूप से शांति दे। हे ज्ञान में तो हमें ऐसा ऐश्वर्य दे कि हमें जीवन मार्ग में शांति मिले और हमारे परिवार में भी शांति रहे। अस्माकं देवा से लेके दधातन 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वज्जनों, हे जीवन मुक्त और प्रभु की उपासना करने वालों, अपने सत्य उपदेश से हमें और हमारे पशुओं के हित को आप सांवते रहो और उन्हें निर्दोष सुख प्रदान कराते रहो। सूर्य की किरणें तथा उनके जानने वाले विद्वान हमें और हमारे पशुओं को उत्तम जीवन देते हैं। यद्वत से लेके निधेतन 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे उपासको, हे विद्वानों, तुम्हारे प्रति कभी भी मन वाणी या आचरण से पाप नहीं करना चाहिए और ना क्रोध ही, अपितु जो अपने प्रति द्वेष या ईर्ष्या करने वाले हों उनके ऐसे आचरणों को भी उपदेशों से दूर करने का प्रयास होना चाहिए। इति त्रयोदशो वर्ग। अस्मिन से लेके नरीशाहयम, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा के लिए आवश्यक है कि प्रजा और मनुष्यों की रक्षा हेतु संग्राम में विनाशक शत्रु सैनिकों पर तीक्ष्ण शस्त्र अस्त्रों से आक्रमण करे। सन से लेके कृधि, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ऐश्वर्यवान, जिस भांति सूर्य व अनियुक्त भूमि के धन रूप ऐश्वर्य को प्रकटाता है, उसी प्रकार तो हमारे आश्रय से शब्द उपदेश से युक्त श्रवणीय वेदवाणी तथा धन से युक्त ज्ञान ऐश्वर्य को प्रकट कर, हे सर्वशक्ति मन, तो हमारी कामनाएं पूर्ण कर। यो नौ से लेके सडंग में तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मुख्य शासक, जो हमारे मध्य हमारा भृत्य है एवं श्रेष्ठ स्वामी है, अभी तो हमारे अधिकार तथा ऋण आदि को नहीं देता, अभी तो युद्ध करने की सोचता है, तेरे द्वारा हम भी ऐसे शत्रु का को संग्राम में विनिष्ट करें। यो से लेके करामय है, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अल्प बल और जो नितांत बलशालियों से भी वंदनीय है, जो वीर नायकों के द्वारा विजय योग्य संग्राम में समरण किए जाते हैं, ऐसे नायक को रक्षा के लिए हम सदैव बुलाएं। सवृजम से लेके आस्ते 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मन, तुम ही सारे बंधनों को काटने वाले सन्मार्ग के पथ पर दर्शक, आप ही कुमार्ग से बचाते हैं, हमें मुक्त करा सकते हो। तेरे सरीखा ही उच्च पदासीन राजा भी भला विषय भोगों में लिप्त कैसे रह सकता है। इति चतुर्दशो वर्ग। यो वाम से लेके हवा में है, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा का ये कर्तव्य है कि वह स्थान स्थान पर ऐसे अध्यापक तथा उपदेशक नियुक्त करे कि जिसके ज्ञान का प्रवाह सभी लोगों को सुनने के लिए मिले और लोग उसके उपदेशों पर चलकर अपना जीवन सुखी बना सकें। आग्नेय एवं सौम्य पदार्थों से रथ यान आदि निर्मित करा करके प्रजा मात्र की यात्रा का अवसर प्रदान करके सुखी भी बनाया जाए। चौद्यंतम से लेके नमस्कृतम, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अध्यापकों और उपदेशकों, अपने उपदेशकों से तुम हमारी बुद्धियों का विकास करो, हमें श्रेष्ठ कर्म में लगाओ, हमें मानवीय जीवन मार्ग सदाचार के लिए प्रेरित करो व ऐश्वर्य से संपन्न बनाओ। वस्तु विद्युत की दो धाराएं ही हमारी बुद्धि को विकसित करती हैं और विशेष क्रिया द्वारा हमें ऐश्वर्य भी प्राप्त कराने में सहायक सिद्ध होती हैं। अमा सिले की चित, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राष्ट्र में ऐसे कुशल चिकित्सक व शल्य चिकित्सक होने चाहिए जो ग्रस्त के वर्तमान दंपति के शरीर को स्वस्थ रखें और असमर्थ रोगियों की भी चिकित्सा करें। इसके अतिरिक्त सूर्य की किरणें व दो विद्युत तरंगों में भी
उनकी रक्षा की जा सके ऐसे साधन खोजे जाने चाहिए। युवा से लेके प्रवाच्या चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, राष्ट्र में औषधि व शल्य चिकित्सकों को इतना निपुण होना चाहिए कि जो विकलांगों को भी पुनः युवक बना सके। इसके अतिरिक्त विशेष यान बना करके यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। पुराणा से लेके धदत पांचवां श्लोक जिसका भवार्थ है, हे जितेंद्रिय स्त्री पुरुषों में तुम्हारे वीरोचित कार्यों से अन्यों को अवगत कराऊं, आप औषधि चिकित्सक एवं शल्य चिकित्सक रोगी को रोग मुक्त करने में समर्थ हों, आप दोनों ही स्तुति योग्य हों। इति पंचदशो वर्ग इयम से लेके सप्रीतम छठा श्लोक जिसका भवात इस प्रकार है, कुमारी कन्याएं अथवा ब्रह्मचारियां भी आचार्यों व उपदेशकों से शिक्षा ग्रहण करके जीवन मुक्त होने की कामना करने वाली ब्रह्मचारिणी विशेषता अध्यात्म ज्ञान का उपदेश प्राप्त करे। युवम से लेके प्रंधय सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अध्यापक एवं उपदेशक, तुम अपने शिष्यों तथा शिष्याओं को पूर्ण संयत एवं योग्य बना करके दोनों को यथा योग्य दाम्पत्य संबंधों में स्थापित करो और उन्हें उत्तम सुख संपदा से संपन्न करो। युवम से लेके कृत आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, आप दोनों स्तुतिकारिणी वाणी को प्राप्त होने वाले ज्ञानवान व विविध ज्ञान दूसरों को देने वाले पुरुष को जीवन व बल से बार बार युक्त करो, ईश्वर भक्त के दुखों को निवारो और प्रजापालक सेना को गति दो। युवम से लेके सप्त वध्रे नौवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, आचार्य तथा उपदेशक सुख के दाता होते हैं, वे हृदय में आसीन मरणासन स्तोता को भी अमृतत्व प्रदान करते हैं और शारीरिक संताप मिटाते हैं, इंद्रियों को वश में रखने वालों को अमृत भोग का अधिकारी बनाकर सुखी बना देते हैं। यम से लेके भुवम दसवां श्लोक जिसका भवार्थ है, आचार्य एवं उपदेशक सुख की कामना करने वाले अधिकारी को उसके अंतःकरण ज्ञान इंद्रियों संबंधी प्रवृत्तियों से समृद्ध शीर को बारंबार सुख समृद्धि से उपभोग का पात्र बनाते हैं। इति षोडशो वर्ग नातम से लेके स ग्यारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, श्रेष्ठ शिक्षक तथा उपदेशक देने वाले सज्ञान से अखंडित हैं, उन्हें सब ही आमंत्रित करते हैं और वे कष्ट हरता जिसे ज्ञान प्रदान करते हैं वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त एवं भय मुक्त रहते हैं। वह व्यक्ति अपनी सहधर्मनी सहित ग्रस्त जीवन में समृद्धि पाते हैं। आ से लेके विवस्वता बारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे जितेंद्रिय नर नारियो, जिस ग्रस्त रूपी रथ को शिल्पी जनों के तुल्य सत्य का प्रकाश करने वाले विद्वान उपदेश करते हैं, उस मानसिक बल से गतिमान रथ में आओ जाओ, नवधवें ग्रह में आकर के उत्तम संतति को जन्म दें। ता से लेके अमुंचतम तेरहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, राष्ट्र का संचालन करने वाले प्रधान पुरुषों के लिए उपयुक्त है कि यदि उनकी प्रजा अज्ञान के वशीभूत शत्रु के नियंत्रण में आ जाए तो उसे बंधन मुक्त करने की चेष्टा करें। एतम से लेके दधान चौदहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, प्रजा का यह कर्तव्य है कि राष्ट्र के प्रधान पुरुष शासक अथवा मंत्री को सम्मानित करके उनके आदेशों का पालन करे, वस्त्र भूषण आदि से सजा करके सुकन्याओं के विवाह का जैसे प्रबंध किया जाता है वैसे ही राष्ट्र का राजा व मंत्री राजा में आदरणीय बने। इति शब्दशो वर्ग रथम से लेके शमी पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सुशिक्षा संपन्न स्त्री पुरुष का ये पावन कर्तव्य है कि पहले तो वे अपने ग्रस्त जीवन को आदर्श रूप प्रदान करें एवं तदुपरांत वे अपने इस अनुकरणीय जीवन द्वारा
प्रजा के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करें। कोह से लेके आ दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ग्रस्त नर नारियों को अपना जीवन सदैव प्रेम युक्त बताना बनाना चाहिए। जिस भांति युवा के समय वर वधु में स्नेह होता है वह सदैव बना रहना चाहिए। यदि मृत्यु के कारण पति या पत्नी से वियोग हो जाए तो पत्नी संतान की इच्छा होने पर देवर तुल्य पुरुष से नियोग द्वारा संतान प्राप्त कर सकती है। प्रातर जरे से लेके गच्छ थ तीसरा श्लोक जिसका भवात इस प्रकार है, जो स्त्री पुरुष आदर्श ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं वे प्रशंसनीय हैं, वे प्रतिदिन सम्मानित होते हैं। राजकुमार व राजकुमारियों के तुल्य आदर पाकर ग्रस्त के दोषों के निवारणार्थ उनके विभिन्न उत्सवों में भाग ले। युवाम से लेके सुभस्पति चौथा श्लोक जिसका व्यवहार इस प्रकार है, जैसे सिंह सिंहनी आदि को खाद्य पदार्थ द्वारा पकड़ने वाले ग्रहण करते हैं वैसे ही हम भी शुद्ध नायक नायक आदि की कामना करने वाले आप व्योवृद्ध ग्रस्त जन को आदर से आमंत्रित करते हैं, क्योंकि आप अपनी उत्तम वाणी द्वारा ग्रस्तों को सदउपदेश देते हो। युवाम से लेके शक्तम वर्ते पांचवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, माननीय ग्रस्त जनों का संपर्क राजा तथा राज्यसभा से भी होना चाहिए। राज्यसभा के लिए उपयुक्त है कि वह उनके सत्य परामर्शों से अश्वरथ आदि से युक्त शत्रु के विनाश के लिए प्रभावी व्यवस्था करे। युवम से लेके घोषणा छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे दूरदर्शी विद्वानों, हे निष्णात जनों, आप दोनों शत्रु संहारक वज्र तुल्य स्तुतिकर्ता प्रजा पर नियंत्रण करो, उनके दुखों को हरो। तुम्हारे अधीन सभा सेना मधुमक्खी के तुल्य मुख से मधुर वचन व उत्तम अन्न धन पाएं। स्त्री जैसे घर को संभालती है वैसे ही तुम प्रजा व सभा को ऐश्वर्य संपन्न करो। युम से लेके चके सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे रथी सारथी वत स्त्री पुरुषों, तुम दोनों यथा साधन चतुर्वर्ण को सहयोग प्रदान करो और उनकी सहायता से सुख की कामना करो। युम से लेके सप्तास्यम आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, राष्ट्र के शिक्षित स्त्री पुरुषों का ये कर्तव्य है कि बालहीन असावधान एवं विधुर एवं विधवाओं की रक्षा करें तथा वे वक्ता अतिथियों को इधर उधर सभी स्थानों पर जाने में सहायता प्रदान करें। जनिष्ठ से लेके तत्पतित्वनम नवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सुकन्या एवं कुमार जब ब्रह्मचर्य का पालन करके एक दूसरे की कामना करने और समागम के योग्य हो जाएं, तो उन्हें विवाह के सूत्र में अबद्ध कर देना चाहिए। बिना कामना एवं योग्यता के विवाह करना अनुचित है। सभी पावन आचरण आदि से ग्रस्त में सुख संपदा वैसे ही आती है जैसे नदियां सागर की ओर जाती हैं। जीवम से लेके पृष्ठवजे दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ग्रस्त को स्वीकार करने वाले स्त्री पुरुषों को जीवन पर्यंत आपस में स्नेह बंधन में बंधे रहने का सुसंकल्प ग्रहण करना चाहिए और उनका पालन भी करना चाहिए। ग्रस्ती जनों को सुसंतान को जन्म देने की आकांक्षा रखनी चाहिए। इति 51वां वर्ग नातस्य से लेके तदश्चमसी ग्यारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वृद्ध नर नारियों को ये कामना करते रहना चाहिए कि नवविवाहित ग्रस्त धर्म का पालन करने में समर्थ व्यक्ति के यहाँ ग्रस्त आश्रम को भली भांति चलाने के लिए सुसंतान भी हो। आज से लेके अशीमही बारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विचारशील पत्नियों के मन में व्योविद्र शिक्षित स्त्री पुरुषों के प्रति आदर की भावना होनी आवश्यक है। वे उनसे परिवार को चलाने के विज्ञान की दीक्षा और शिक्षा प्राप्त करें जिससे कि अपनी ग्रस्त संबंधी कामनाओं का नियंत्रण रखें। ता से लेके हतम तीसरा श्लोक जिस 13वां श्लोक जिसका व्यवहार इस प्रकार है,
हे शोभायुक्त पदार्थों के रक्षक स्त्री पुरुषों, आप दोनों की नवग्रस्तों को सुख देने वाले, उनके प्यार में उपदेश के इच्छुक जनों के लिए धन को देने वाले, उनके ग्रस्त जीवन को पाप मुक्त बनाने वाले उपाय करो। तुम ग्रस्त जीवन में आने वाली बाधाओं का निवारण करो। कम से लेके गृहम 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कल्याण का पथ प्रदर्शित करने वाले शिक्षित व्यवृद्ध स्त्री पुरुषों से ये जानना चाहिए कि वे किन घर में उपदेश सुधा बरसाते हैं, कहाँ उन्हें सत्कार एवं हर्ष प्राप्त होता है, कौन सा ग्रस्त उन्हें आदर से अपने घर में स्थान प्रदान करता है। ऐसी जानकारी उनसे प्राप्त करने के पश्चात उन्हें शिष्टाचार युक्त व्यवहार करते हुए घर पर आमंत्रित करना उचित है। इति विश्ववर्ग समानमो से लेके हवा में है 1वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उषा की वेला में स्तुति वंदना प्रार्थना तृप्ति साधक अंगों वाले अनुभव योग्य मोक्ष को दोष रहित भावनाओं एवं क्रियाओं द्वारा जीवन में धारण करना चाहिए। प्रातार युजेश से लेके अश्विना 2वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, नासिका के प्राण तथा अपान श्वास एवं प्रवास प्राणायाम की तिथि से प्रातःकाल चलाने की क्रिया मधुरतादायक मोक्ष की ओर ले जाती है। उनसे अध्यात्म यज्ञरत प्रजा को ये वे यथार्थ रूप से में मिलते हैं, कार्य करते हैं। अध्यात्म यज्ञ को स्तुति करने वाले भली भांति जानते हैं। अधर्वियों से लेके मधु प्यमश्विना 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो व्यक्ति हृदय से प्रभु का मनन करता है, अपने हाथ से यथाशक्ति दान प्रदान करता है, मन को नियंत्रित रखता है, ऐसे मेधावी जन के प्राण अपान जीवन को सच्चा सुख व मोक्ष प्रदान कराने का आधार बनते हैं। इति 51वां वर्ग अस्तेव से लेके सोम इंद्रम 1वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस भांति धनुर्धर अपने लक्ष्य पर बाण का प्रहार करता है, वैसे ही स्तुति करने वाले उपासक को भी अपनी आत्मा को परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। अपने उत्तम वचनों से उस प्रभु की नित्य उपासना करनी चाहिए। दोहेन से लेके शुरम 2रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर आनंद घन है, सकल आनंद का अक्षय भंडार है, वे मित्र के समान है, स्तुत्य भी है, उनकी आराधना करने से वे उपासक को भी अपने आनंद घन से तृप्त करता है। किमंग से लेके भराना 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रभु सर्व पालक है और समर्थ है, वह अपनी कृपा द्वारा सभी को यथा योग्य भोग प्रदान करता है, वह उपासना करने वाले को आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी देता है, उसकी उपासना करना श्रेष्ठकर है। त्वाम से लेके शूरा 4वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमात्मा उसी व्यक्ति की वस्ता सहायता करता है जो उत्तम साधनों से युक्त होता है। परमात्मा नास्तिक के प्रति मैत्री भाव नहीं रखता। यों तो विवाद के अवसरों व युद्ध में जाते समय सभी उसका आवाहन करते हैं। धनम ना से लेके वृत्रम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो लोग योग अभ्यासी हैं उन्हें ही काम आदि शत्रु का संहार करने की क्षमता प्राप्त होती है। एक वे ही अज्ञान के अंधकार को दूर करने में समर्थ होते हैं तथा दैनिक आनंद की भी उन्हें ही प्राप्ति होती है। इति 2वां वर्ग यस्मिन से लेके जन्यान्मन्ताम 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वही शासक प्रशंसा का पात्र है जो अपनी प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करता है, और शत्रु व विरोधी जिससे भयभीत होते हैं वे ही राज समता का उपभोग कर पाते हैं। आराज से लेके वाजरत्नाम 7वां श्लोक, राजा के लिए आवश्यक है कि वे अपने तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा शत्रु को पीड़ित करे और उसे भगा दे एवं प्रजा के लिए घी दूध अन्न भोजन आदि की सुव्यवस्था करें। प्रस से लेके
भूरी वामम आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा का कर्तव्य है कि वह ऐसे लोगों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना लगाए जो अपने व्यापार व विविध कलाओं के द्वारा राष्ट्र को बहुविध ऐश्वर्य से संपन्न करते हैं। उत् से लेके श्रद्धावान नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उत्तम व श्रेष्ठ राजा का यह धर्म है कि वह विनाशक शत्रुओं की विभिन्न साधनों के द्वारा अपने अधीन करे तथा शांतिप्रिय व्यक्तियों को की धन इत्यादि के द्वारा सहायता करे। गोभी से लेके जेम दसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रजा राष्ट्र के शासक की सहायता के द्वारा धन संपदा को प्राप्त हो, स्वबल से वह विभिन्न कार्यों में सफलता पाए, भांति भांति के भोजन से भूख से मुक्त हो एवं विभिन्न विद्याओं से अज्ञान के अंधकार को मिटाए। बृहस्पति से लेके कृणोत ग्यारहवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब हम सखातुल्य गुण अपनाते हैं तथा आचरण में लाते हैं तो परमात्मा भी किसी भी दशा से प्रहार करने वाले अनिष्टकर्ता से रक्षा करते हैं। इति त्रयोविंशो वर्ग, इति तृतीयो अनुवाक। अच्छा से लेके मघवान मत्ते पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा की स्तुति करने वाली मानव की वाणी ही उसे प्रभु का समागम करा के मोक्ष पर प्राप्त करने से सफलता दिलाने वाला परम या श्रेष्ठ साधन है। ना धा से लेके ते दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु के प्रति अपने मन को इस भांति लगाना चाहिए कि सकल मनोरथ पूर्ण हो सके। जब सच्चे हृदय से प्रभु में मन को अनुरक्त किया जाए तब फिर वह भटकता नहीं है। उसी स्थिति में उपासक भगवान को अपने हृदय में साक्षात कर पाने में समर्थ होता है। विशु वृंदोन्द्रो से लेके शुष्मना तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कुटिल व पापी जनों पर भगवान जी की कृपा कभी नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों को वह किसी न किसी प्रकार दंड अवश्य देता है। वह अज्ञान एवं आध्यात्मिक भोग की इच्छा को भी मिटाता है। सकल बाह्य एवं आंतरिक धनों का प्रभु ही स्वामी है। उसी के नियंत्रण में प्रवाहिनी सरिताएं अन्न की वृद्धि करती हैं और शरीर में प्राण प्रगति कर आयु में वृद्धि करते हैं। व्यव से लेके ज्योतिर्याम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भांति हरे भरे पत्तों वाले वृक्ष पर बैठा पक्षी आनंदित होता है उसी प्रकार स्तुति करता उपासक समाधिस्थ शांत होकर प्रभु के आश्रय में आनंदित होता है। उसका मुख आत्म तेज व ओज में होता है। वह प्रभावशाली बनकर के श्रेष्ठ सुखद ज्ञान की ज्योति को प्राप्त करता है। कृतम ना से लेके नूतन पांचवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य से रेखे शक्तिशाली पिंड भी उस परमात्मा के ही अधीन होकर प्रकाश विस्फरित करते हैं। सूर्य ना तो शारीरिक ही शाश्वत की है और ना ही अन्य जड़ पदार्थों के समान अर्वाची नहीं है, क्योंकि उसी के प्रकाश से सकल वनस्पति आदि जीवन को धारती है। विषय विषम से लेके सहते प्रत्यनियत छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऐश्वर्य का स्वामी प्रभु ही स्तुति करने वाले व्यक्ति की स्तुति में वाणी का जानकार है। वही मानवादी प्राणी मात्र का अंत साक्षी है। वह सकल स्तुति प्रसंगों में रमता है। स्तुतिकर्ताओं के सभी शत्रुओं को दूर भगाता है। आपना से लेके दान ना सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भांति सरिताएं सागर में समाहित होती हैं और नहरें नदियों में मिल जाती हैं वैसे ही उपासकों की उपासना भी प्रभु को ही प्राप्त होती है। उपासना का यह प्रभाव ही उपासकों में प्रभु का प्रबुद्ध करता है। जिस भांति
मेघों के द्वारा बरसाए गए जल से खेती को समृद्धि प्राप्त होती है। वृषान्ना से लेके हविष्यमते आठवां श्लोक जिसका विवाद इस प्रकार है, जिस भांति बलवान सांड अपने सिंहों से प्रतिद्वंदी पर क्रुद्ध होकर प्रहार करता है, वैसे ही परमात्मा अपने उपासकों के हृदय में काम आदि शत्रुओं को उखाड़ फेंकता है। वह दूसरों को जीवन देने वाले के लिए अपनी ज्योति प्रदान करता है। वह आत्मसमर्पणकारी उपासना रस अर्जित करने वालों पर कृपा करता है। उज्जायताम से लेके सतपति नौवां श्लोक जिसका विवाद इस प्रकार है, भगवान अपने तेज के द्वारा अपने उपासकों के शत्रुओं का दमन करते हैं। दूध देने वाली गौ के तुल्य उनकी कृपा भी अमृत पान कराती है। वे आराधनारत व्यक्ति में अपने तेज को प्रकटाता है। गोविष्ठ से लेके जेम दसवां श्लोक जिसका भवार्थ है, राजचनों को शासकों की सहायता से धन संपदा का उपार्जन करना चाहिए। उन्हें स्वबल द्वारा अपनी कार्यों में सफलता पानी चाहिए। विविध प्रकार के अन्न से भूख मिटा करके तथा नाना विद्याओं के अध्ययन से ज्ञान संपन्न होना चाहिए। बृहस्पति से लेके कृणतु ग्यारहवां श्लोक जिसका विवाद इस प्रकार है, परमात्मा ही सभी दिशाओं से अनिष्ट करने वालों में उपासकों की रक्षा करता है, जबकि वह सखा तुल्य गुण व आचरण धार लेते हैं। इति पंचविशो वर्ग। आ से लेके वृष्णयन पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, प्रभु स उपासकों को स्वीकारता है और आनंद देने हेतु उन्हें प्राप्त होता है तथा उपासकों के नाम आदि शत्रुओं का संहार करता है। वही राजा तथा प्रजा को अपना करके उन्हें सुखी व शत्रुओं से निरापद करे। सुष्ठामा से लेके वृष्णयानी दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मुमुक्षुजन प्रतिपालक प्रभु स कृपा के प्रसाद से उपासकों के अंदर अध्यात्म मार्ग में विराजता है। प्रजापालक राजा अपने सैन्य विभाग व सभा विभाग के द्वारा प्रजा हित रक्षण करता हुआ ज्ञान आदि से उन्हें प्राप्त हो जाता है। इसी भांति गति शक्ति रक्षक अपनी दो धाराओं से किसी कला यंत्र में से उपयुक्त होकर प्रयोग में आता है। इंद्रवाहो से लेके बहंतु तीसरा श्लोक, तपस्वी उपासक की उत्तम गुण युक्त प्रभु को प्राप्त कर पाते हैं, अन्य कोई नहीं। इसी प्रकार प्रतापी शासक का विश्वास तेजस्वी कर्मचारी पाते हैं। एवा से लेके वृद्ध चौथा श्लोक, राजा के लिए आवश्यक है कि वह दुख में सुख में विद्वानों का स्वामी बने व राष्ट्र की समृद्धि में सहायक हो। उसे प्रजा का पालक होना चाहिए। ऐसे ज्ञानी व सहृदय जन को ही राजपद प्रदान करना उचित है। गमनस्म से लेके धर्मना पांचवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, प्रभु के उपासकों को सभी आवश्यक पदार्थ मिलते हैं और परमात्मा भी उनके हृदय में बसता है। उन्हें कोई भी काम आदि दोष प्रभु से विरक्त नहीं कर सकते तथा जब तक प्रजा राज्य के शासक के अनुकूल चलती है तो सुख के साधन उन्हें सुगमता से मिलते हैं। राजा स्वपद पर आसीन होकर के उन्हें अभेदान देता है। कोई उन्हें राजा की रक्षा से वंचित नहीं कर सकता। इति षड्विंशो वर्ग। पृथक से लेके केश्य छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो मुमुक्षु जन अध्यात्म गुणों को धारण कर ऊंचे उठते हैं वे संसार सागर को पार करके मोक्ष पा जाते हैं। ऐसे दिव्य गुणों को निष्कृष्ट व्यक्ति धारण करने में समर्थ नहीं होते, इसलिए वे मोक्ष के भागी नहीं बन सकते व मोहग्रस्त रहते हैं। एवं से लेके भाजना सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ब्रह्म की उपासना से रहित इंद्रियों में आसक्त असंयमी व्यक्ति दुर्बुद्धि को पा करके पतित होते हैं। विषयों से मुक्त व दानशील जन ही मोक्ष पाने में सफल होते हैं। गिरी से लेके शंस्ती आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, प्रभु ही मेघों से जल बरसाता है, वही दुष्टों को विद्युत
गिरा करके प्रकंपित करता है, वही धरती व आकाश को थामता है, वही उपासकों की स्तुति को स्वीकार करके उन्हें ज्ञान में प्रवचन देता है। इमं से लेके नवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ऐश्वर्यवान प्रभु तो सभी लोगों की पीड़ा नष्ट करता है, मैं भी तेरे उत्तम रीति से बने अंकुश को स्वीकार करूं, तेरे शासन में सुखदायी ग्रह में मेरा निवास हो। हे प्रभु, तो उत्तम रीति से संपादित ज्ञान से मेरा स्तुतियों को स्वीकार कर। गोभी से लेके जेम दसवां श्लोक जिसका भावार्थ है, राष्ट्र के प्रजाजन शासकों की सहायता द्वारा धन संपदा का अर्जन करें, स्वबल द्वारा अपने कार्यों में सफलता पाएं, विविध अन्नों से भूख से निवृत्ति प्राप्त करें एवं विभिन्न विद्याएं प्राप्त करके अज्ञान से मुक्त हों। बहिर्स्पति से लेके कृणोतु ग्यारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमात्मा अपने उस उपासक की सभी दिशाओं में वर्तमान अनिष्टकारी से रक्षा करता है जो सखा समान गुण व आचरण धार लेता है। इति सप्तविंशो वर्ग दिवस परि से लेके स्वाधि पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर ने पहले पहल द्यूलोक में सूर्य अग्नि का सृजन किया, फिर पृथ्वी पर अग्नि को प्रकटाया और तीसरे अंतरिक्ष से में विद्युत को जन्म दिया। मनुष्य को इन अग्नियों को देख करके प्रभु का मनन चिंतन करते हुए वृद्ध अवस्था तक उनसे लाभान्वित होते हुए प्रभु की वंदना करनी चाहिए। विद्याते से लेके आज ग्रंथ दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मानव जिस भांति अन्य अर्थ विज्ञानों में पारंगत होता है उसी भांति अग्नि विमान में भी विज्ञान में भी उसे प्रवीणता प्राप्त करनी चाहिए। तात्पर्य कि उसे अग्नि के विभिन्न रूपों और उसके उत्पत्ति स्थानों और उन खनिज पदार्थों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जिससे अग्नि उपजती है। समुद्र से लेके अवर्धना तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर अग्नि के तत्व को द्यूलोक में सूर्य के रूप में, अंतरिक्ष में बिजली के रूप में तथा धरती पर पार्थिव आग के रूप में उपजाता है और फिर ऋतिक जानी या विद्वान लोग उसका पहले विभिन्न कार्यों में संपन्न करने हेतु उपयोग करते हैं। अक्रंद से लेके भात्यंत चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अग्नि द्यूलोक में सूर्य के रूप में प्रकाशित होती है, अंतरिक्ष में वह विद्युत के रूप में अपनी विद्यमानता का परिचय देती है और धरती पर काष्ट व ईंधन आदि में प्रकाशित होती है। इस भांति अग्नि तत्व ही ध्यावा पृथ्वी में संसार में विख्यात हुआ दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करता है। श्री नाम से लेके संविधान पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह परमात्मा ऐश्वर्य का दाता व आश्रितों का उन्नत करने वाला है, धनों का धारक और उत्तम बुद्धि का दाता है तथा ऐश्वर्य रक्षक है, वही सबका बढ़ाने वाला व सबको सन्मार्ग पर चलाने वाला है। इसी भांति प्रजा में तेजस्वी राजा भी सूर्य के समान शोभा पाता है। विश्वस्य से लेके पंच छठा श्लोक जिसका भावार्थ है, वह सूर्य सकल संसार को प्रकाशित करता है, प्रगति देता है और धरती व आकाश को अपने प्रकाश से पूर्ण करता है। जब सभी उस प्रभु तेज पुंज की आराधना करते हैं तो वही धरती पर मेघ बरसाता है, वही प्राणियों के जीवन का पोषक है। अशिक पावकों से लेकर ध्यामी नक्षण सातवां श्लोक जिसका भावार्थ है, वह परमात्मा अविनाशी है, वही साम्य व्याप्त होकर जीवन में प्रकाश देता है, वही आराधना करने वालों को मोक्ष की दिशा में प्रेरित करता है।
दृश्यानों से लेके आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर सभी स्थानों पर एक रस है और विद्यमान है। यह विशेषता अपने आश्रम में आने वाले उपासक को अबाधित ज्ञान प्रदान करता है और उत्तम प्राणों से समृद्धि देता है। यस्ते से लेके यविष्ट नवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर ज्ञान का प्रकाश करने वाला और कल्याण की दीप्ति से युक्त है, उसी का समागम योग्य है। जो उपासक संयम से अपने इंद्रियों को तेजस्वी बना लेता है, उसे ही परमात्मा संसारिक सुखों में श्रेष्ठतम सुख अथवा मोक्ष भी प्रदान करता है। आत्म से लेके दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो उपासक उस तेजस्वी प्रभु का श्रवण मनन निध्यासन करता है वह उनकी स्तुति में लगा रहता है, वह सर्व प्रकाशक एवं प्रभु का प्यारा बन जाता है। वह कभी पाप नहीं करता, अतः उसे पाप का फल भी कभी नहीं भोगना पड़ता। तम अग्नि से लेके वह व्रोध ग्यारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अपने लिए वे व्यक्ति ही ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त कर पाते हैं जो प्रभु के आदेश के अनुसार सकल जीवन में वर्णीय धनों को प्राप्त करते हैं और ज्ञान मार्ग के पथिक रहते हैं। अस्ताव से लेके सवीरम बारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर मनुष्यों को सुख देता है, वही उपासकों को रक्षा भी करता है, वही ज्ञान का धारक तथा प्रकाशक हमें सदैव उसकी अर्चना में रत रहते हुए उससे अध्यात्म धन की याचना करनी चाहिए। इति सप्तको अष्टक।